अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसके बाद 1 कप मिल्क पाउडर और 1/3 कप मिल्क डाल के बराबर से मिक्स कर लेंगे। ये मिल्क पाउडर होममेड मिल्क पाउडर है, मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और दूध डाल के तुरंत ही आप मिक्स कर लो क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी जल जाता है और इसे लगातार चलाना है। आप जैसे ही पाउडर में दूध डालेंगे तो थोड़े बहुत लम्स होंगे, मतलब गांठे होंगे, तो आपको स्पेचुला से चलाते हुए निकालना होगा। और अब हम 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसे भी हम बराबर मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही पाउडर शुगर बराबर से मिक्स हो जाए तो हम उसके बाद 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे और इसे भी हम बराबर मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर पैन को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है तो हम अभी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये मिक्सचर पहले से और भी जम गया है तो हम इसके पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा के थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेके सबसे पहले हम गोल शेप देंगे और उसके बाद एक उंगली से ऐसे प्रेस कर देंगे और लास्ट में लंबी कटी हुई बादाम से हम गार्निश कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। अगर आपका पेड़े का मिक्सचर थोड़ा पतला है और अच्छा शेप नहीं आ रहा है तो इसे थोड़ा ठंडा होने दे, उसके बाद आप पेड़े बनाइए। अब हम चॉकलेट शेप में भी पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके चॉकलेट मोल्ड में डाल के ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे शेप्स बना लेंगे और इसे तुरंत ही निकाल देंगे। इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है मोल्ड में, ये अच्छी तरह से निकल आएंगे अच्छे से शेप में। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।